सो ये मार्किंग हमने किया ठीक है। सो यहाँ पे ये आपको प्रीवियस सर्जरी का स्कार है, ये वाला काफी बड़ा स्कार है यहाँ पे इस तरह से। सो इसी के थ्रू हम इसको जो है कट करेंगे ठीक है। ये मतलब ये इसमें ही आएगा नहीं, फिर ऐसे नहीं आएगा। ये देखिए ये जो है बेसिकली आपकी मसल्स हैं, मेन क्या है यहाँ पे जो है ये फैट और ग्लैंड है ठीक है। ऐसे इस तरह से है ये मतलब पूरा। सो ये आपने यस आपने ये आपकी सर्जरी कितने साल पहले हुई थी? 5-6 साल पहले हुई थी ओके। फिर आप को कितना फर्क लगा ये जैसे ये सर्जरी के बाद? मतलब ज्यादा नहीं फर्क लगा, हाँ रिजल्ट नहीं मिला वैसा का वैसा ही लगा है ना ठीक है। सो इसको हम करेक्ट करेंगे एंड ये इतना एरिया है मेन क्या है ये एरिया है यहाँ पे एक ग्लैंडुलर टिश्यू है। सो अभी देखिए जो स्कार है ये स्कार है यहाँ पे, ये यहाँ पे बहुत बड़ा स्कार है। सो इसको जो है हम यहाँ पे ये जो स्कार है बेसिकली ये स्कार है एंड ये स्कार है, तो काफी बड़ा बड़ा स्कार है। सो इसको हम जो है इसमें इसी कट के थ्रू हम इसको यूज करेंगे यहाँ पे कटने का ठीक है। तो मेन हमारा जो है फैट रिमूवल और ग्लैंड रिमूवल है ठीक है। सो ये रिवीजन सर्जरी है जो हम करने जा रहे हैं अभी। चेस्ट का शेप ठीक नहीं है, एक बार साइड में टर्न हो ना, साइड में टर्न हो। सो साइड से देखेंगे तो देखिए जो बल्किनेस कितना लग रहा है ये। सो ये बहुत ज्यादा है और ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि जब आपका सर्जरी हुआ था शायद ही कुछ रिमूव हुआ था राइट। तो कितना फर्क लगा था आपको सर्जरी सामने देखिए? कुछ भी नहीं, कुछ भी फर्क नहीं आया ओके। सो आपने कहीं और से सर्जरी कराई थी 4-5 years back एंड कोई रिजल्ट नहीं मिला, मिला तो मिला एक स्कार मिला। सो अभी हमारा जो एम है इसको रिड्यूस करना, एक प्रॉपर शेप देना। चेस्ट की शेप नहीं है, चेस्ट अभी भी बल्कि लगती है। टी शर्ट वगैरह पहनने में दिक्कत आती है? हाँ, दिक्कत आती है ओके। सो टी शर्ट वगैरह नहीं पहन सकते तो इसको हम करेक्ट करेंगे ठीक है। सो ये अंडर लोकल एनेस्थेसिया में करेंगे, इसको एरिया को नम करेंगे देन वेजल लिपोसक्शन और ग्लैंड ठीक है। सो यू वांट टेबल रिजल्ट सर, सिंपली रिवीजन जाने को सर सर्जरी की जो है प्रीवियस सर्जरी की स्कार के थ्रू हमने ग्लैंड और रिमेनिंग फैट रिमूव किया। सो ये रिवीजन थी, कोई और सर्जन ने पहले किया था एंड इसको हमने करेक्ट किया। सो ये चेस्ट पहले से काफी बेटर दिखाई दे रही है एंड जो बल्ज था जो पफिनेस थी वो चली गई। सो 1 liter fat एंड ये ग्लैंड रोटेशन रिमूव किया है।